भारत में बच्चों की शिक्षा की स्थिति को लेकर निरंतर सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं। 2021 में भी सर्वे कंडक्ट किए जा रहे हैं। सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि बच्चों के शिक्षण का स्तर कैसा है, इसमें कुछ सुधार हुआ है या शिक्षा का स्तर गिरा है। ये कार्य यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सहयोग से देश के 9 राज्यों में किया जा रहा है। भारत में बच्चों की शिक्षा की स्थिति को लेकर निरंतर सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि देश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की बुनियादी शिक्षा का आकलन किया जा सके। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में भी NCERT दिल्ली की ओर से राज्यों में स्थापित SCERT के माध्यम से नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में भी सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें ये पता लगाया जाएगा कि बच्चों के शिक्षण का स्तर कैसा है, इसमें कुछ सुधार हुआ है या फिर शिक्षा का स्तर गिर चुका है। ये कार्य यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सहयोग से देश के 9 राज्यों में किया जा रहा है। NCERT यूनेस्को ग्लोबल मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल की आवश्यकता वाले देश में सीखने वाले के प्रतिशत की रिपोर्टिंग के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने के लिए एक नीति लिंकिंग कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। ये कार्यशाला देश की चयनित 9 SCERT में कंडक्ट की जा रही है, जिसमें SCERT सोलन भी शामिल है। 20 मार्च तक चलने वाली इस कार्यशाला में SCERT हेड कोऑर्डिनेटर, दो गणित व हिंदी के अध्यापक भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला ब्लेंडेड मोड पर आयोजित की जा रही है। इसमें यूनेस्को की टीम, NCERT की टीम और SCERT की टीम भाग ले रही है। इसमें बताया जा रहा है कि लिंकिंग में किस प्रकार से डाटाबेस फीड करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन में राज्य समन्वयक शिव कुमार शर्मा ने कार्यशाला की अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम आगामी नवंबर माह में होने जा रहे नेशनल अचीवमेंट सर्वे को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। मार्च तक एक वर्कशॉप चली है जो कि यूनेस्को द्वारा प्रतिभूत है और NCERT और SCERT इसको मिलकर करवा रहे हैं। यह एक 2017 में हमारे यहाँ पूरे देश में एक सर्वे हुआ था, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10, उसको बेंचमार्किंग का ये वर्कशॉप चली है। क्योंकि 2021 में भी वर्कशॉप होगी, इसी तरह से सर्वे होगा, तो बच्चों के लेवल का कि कितने बच्चों का लेवल है एजुकेशन में, कितना पाया है उसको लेकर, तो उसको जो हम रेफरेंस करेंगे कि कितना लेवल है, तो हम 2017 के सर्वे की रिपोर्ट्स के अनुसार करेंगे। तो जो 2017 की रिपोर्ट्स है वो इंडिया की, उसको अब हम यूनेस्को ने जो एक मिनिमम ग्लोबल प्रोफिशिएंसी लेवल, कम से कम मानदंड, निपुणता का जो मानदंड तय किया है, तो उस 2017 की सर्वे रिपोर्ट को हम उसके अनुसार ढालेंगे, उस लेवल को हम फिर रेफरेंस लेवल मानेंगे आगे जितने भी सर्वे होंगे। तो 2021 का जो सर्वे है उसको हम एक बेंचमार्किंग ये 2017 की कर रहे हैं। अब इसके बाद जो सर्वे होगा तो हम उसी से कंपेयर करके ये बताएंगे कि स्टेट और जो हमारा देश है वो इन क्लासों के बच्चों को मैं कितना उन्होंने उपलब्धि सर्वेक्षण या उपलब्धि प्राप्त करी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।